गगन, हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि आज से जो हम कंसेप्ट इसमें स्टार्ट करेंगे, वो कंसेप्ट इसमें आपके पास आएगा पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, मतलब इसमें हम जो कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे वो कंसेप्ट होगा आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और एक तरीके से हम कंसेप्ट ये भी स्टार्ट कर रहे हैं ओवरलोडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जैसा, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक क्लास होती है वो सी के स्ट्रक्चर का ही मॉडिफाइड रूप है। यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, क्लास जो है वो उसी का ही एक मॉडिफाइड कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब कि हम स्ट्रक्चर टाइप के जो वेरिएबल हैं उनको हम वेरिएबल तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बिल्ट इन टाइप के डाटा टाइप्स के जो दो वेरिएबल को हम आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चर जो आपके टाइप के वेरिएबल होते हैं वो हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बिल्ट इन टाइप के जो डाटा टाइप्स होते हैं उनके जो दो वेरिएबल हैं उनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से किसी स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल्स को हम नहीं जोड़ सकते। अब बिल्ट इन में क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे हम बिल्ट इन डेटा टाइप लेते हैं, जैसे हम इंटीजर ले लिया, हमने फ्लोट ले लिया, तो उनके जैसे आपके पास ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स हो गया आपके पास। ठीक है, कौन कौन से, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके जो डेटा टाइप हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स को, इनके जो दो वेरिएबल्स होंगे, कि जैसे मान लो अगर मैं इंट ए लिख देता हूँ और इंट बी में लिख देता हूं, तो मैं इनको तो आपस में मैं जोड़ सकता हूं, इनको मैं आपस में यहाँ पे एक वेरिएबल लेके इनको मैं जोड़ सकता हूं, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल्स को हम आपस में नहीं जोड़ सकते। मेरी बात समझ रहे हो, कि हम स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल्स को हम आपस में हम नहीं जोड़ सकते। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, कि आपको याद होगा कि जब मैंने सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तो हमने कैसे लिखा था, स्ट्रक्ट एड इंट नम वन इंट नम टू। ठीक है, और यहां पे मैं लिख दिया स्ट्रक्ट एड ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अगर हम सी बराबर ए प्लस बी करें तो ये गलत स्टेटमेंट होगा। मतलब अगर मैं यहां पे ये करता हूं कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। गलत क्यों होगी, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को जो है हम आपस में नहीं जोड़ सकते। स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को आप नहीं जोड़ सकते, और क्योंकि जो क्लास है हमारा वो भी स्ट्रक्चर्ड का ही मॉडिफाइड रूप है, तो जो हमारा कंपाइलर होता है स्टूडेंट वो ये नहीं जानता कि जो यूजर ने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, यूजर के द्वारा जो वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं उन्हें किस तरीके से जोड़ा जाए। वाइल बिल्ट इन डेटा टाइप्स में क्या होता है कि जोड़ करने के इस तरीके को कंपाइलर में, बिल्ट इन डेटा टाइप्स में क्या होता है, कंपाइलर को पहले से ही पता होता है कि किस तरीके से उनको जोड़ना है। ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप में जोड़ करने के इस तरीके को कंपाइलर में पहले से ही सेट कर दिया जाता है, और जो प्लस ऑपरेटर है वो ये जानता है कि हम इन वेरिएबल्स को कैसे जोड़े। ठीक है, मतलब मैंने आपको अब तक क्या बताया,
कि आप बिल्ट इन डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को तो जोड़ सकते हो, लेकिन जो क्लास और स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं उनको आप आपस में नहीं जोड़ सकते। मतलब जोड़ सकते हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए हमें आगे कुछ और प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के वेरिएबल्स, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के वेरिएबल आपके पास कौन से होंगे? यूजर डिफाइंड के जो डेटा टाइप्स के आपके पास वेरिएबल होंगे, टाइप के जो वेरिएबल्स होंगे आपके पास वो कौन से होते हैं, उनको आप ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। उनको जोड़ने का तरीका हमें ऑपरेटर्स को बताना पड़ता है, ठीक है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स के तो ऑपरेटर को पहले से ही पता होता है कि हम वेरिएबल्स को कैसे जोड़ें, पर जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं या जो उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जोड़ने का जो मेथड होता है वो हमें ऑपरेटर्स को बताना पड़ता है। यानी कि हमें प्लस ऑपरेटर को ये बताना होगा कि किस तरीके से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन से होते हैं, जैसे क्लास हो गया आपके पास, उनके वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स को ये ऑपरेटर कैसे जोड़ेगा। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर है गगन और विभांशु? इसलिए अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें जो है वो नए टाइप के, न्यू टाइप के जो हमारे पास न्यू टाइप्स के जो ऑपरेटर्स होंगे हमारे पास, वो हमें क्या करने पड़ेंगे, डिफाइन करने पड़ेंगे। और इस तरीके से जो ऑपरेटर्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं उनको हम अलग अलग तरीके से इस बात पर निर्भर करते हुए कि वो किस प्रकार के डेटा पर ऑपरेशन कर रहे हैं उनको यूज किया जाता है। ठीक है, हम नए टाइप के ऑपरेटर्स डिफाइन करेंगे और जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं और जो फंक्शंस हैं उनको अलग अलग तरीके से इस बात पर डिपेंड करते हुए कि वो किस टाइप के डाटा पर, कि वो किस जो है टाइप के डाटा पर ऑपरेशन कर रहे हैं यूज किया जाता है। और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पॉली प्लस मॉर्फ्स विच मींस मैनी फॉर्म्स, जिसका मतलब क्या होता है मैनी फॉर्म्स, ये एक आपके पास ग्रीक वर्ड है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास हम इसमें थ्री कंसेप्ट्स यूज करते हैं, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम एक एग्जिस्टिंग ऑपरेटर की, जैसे मान लो आपने एक प्लस ले लिया यहाँ पे, मान लो एक इक्वल का साइन ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इन ऑपरेटर्स को हम इस लाइक बनाते हैं कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर काम कर सके। कि जो ये आपके पास प्लस है और जो ये इक्वल है, इनको हम ट्रेनिंग देते हैं। क्या ट्रेनिंग देते हैं हम इनको? इनको हम इस लाइक बनाते हैं कि जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स के अलग अलग वेरिएबल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर सके। ठीक है, और ऑपरेटर्स को इस लाइक बनाना, जो आपके पास ये ऑपरेटर्स होते हैं, जो ये आपके पास ऑपरेटर्स हैं उनको इस लाइक बनाना कि क्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। और इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। यही कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे ओवरलोडिंग कहलाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस और इक्वल को, हम उनको इस लाइक बनाते हैं कि जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के जो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर काम कर सके। और अलग अलग ऑपरेटर्स को इस लाइक बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करना कहा जाता है। गगन, मुझे पहले इतना कमेंट करके बताओ को आपको इतनी पॉलीमॉर्फिज्म का ये कंसेप्ट आपको इतना समझ में आया, तो यहाँ पे आपके मन में डाउट तो नहीं है? विभांशु, आपको भी
मेरी आवाज क्लियरली सुन पा रहे हो ना? कोई आपको डाउट तो नहीं है? कोई बीच में डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही? ठीक ओवरलोडिंग रिपीट करो सर। ओके, ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है गगन? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। मैं आपको, अगर हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना है एक क्लास के, इसे सिंपली ऐसे कह लो कि अगर हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं? और ऑपरेटर को हमें पहले ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर काम कर सके। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओवरलोडिंग से खाली यही मत समझना कि ओवरलोड हो गया, ज्यादा जो है लोड रख दिया। यहाँ पे ओवरलोडिंग का टेक्निकल मीनिंग है कि जो आपके पास यूजर डिफाइंड टाइप के जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स पे कैसे काम हो, ऑपरेटर्स को उन ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे डील करना है, इस चीज की ट्रेनिंग देना ओवरलोडिंग कहलाता है, ठीक है। इस चीज की ट्रेनिंग देना ओवरलोडिंग कहलाता है। इसमें तो जो आपके पास पॉलीमोर्फिज्म है, एक्चुअली ये पॉलीमोर्फिज्म आपके पास टू टाइप्स का होता है। आपके पास एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज्म, एक कंसेप्ट होता है आपके पास रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज्म को हम दो पार्ट्स में और डिवाइड करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम के अंदर ये कंसेप्ट आएगा आपके पास वर्चुअल फंक्शन। तो जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है ये हमारा कंपाइल टाइम के अंदर आएगा, ठीक है। तो ओवरलोडिंग क्या होता है कि ऑपरेटर्स को ये ट्रेनिंग देना कि वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर उनको कैसे काम करना है, ये ऑपरेटर्स को बताना। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग बोलते हैं। जब कई फंक्शंस के नाम एक जैसे होते हैं तो जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये जो उनके पैरामीटर्स हैं या जो रिटर्न डेटा टाइप है या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के डेटा टाइप में आपस में डिफरेंट डिफरेंस होता है तो इसे फंक्शन की ओवरलोडिंग होना कहा जाता है। मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। इसका मतलब मैं सिंपली आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जब एक ही फंक्शन को डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ यूज किया जाए, ठीक है, मान लो आपको मैं चार पांच काम इकट्ठे एक साथ दे देता हूँ तो आपके ऊपर उस काम का जो है लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। एक काम तो आप इजिली कर लोगे, अगर मैं आपको एक दो जो है इसमें सी, आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज में से चार या पांच 10 प्रोग्राम दे दूं, अगर मैं आपको 100 प्रोग्राम दे दूं तो आपके ऊपर ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो जब फंक्शंस के नाम तो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन जो उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं या फिर जो रिटर्न डेटा टाइप होते हैं आपके पास उनमें डिफरेंस होता है तो इसे हम फंक्शन की ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग से एक प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम ओवरलोडिंग से एक प्रोग्रामर के लिए जो प्रोग्राम लिखना है और जो उसको समझना है वो आसान हो जाता है। ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक टाइप होता है। और किस पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप होता है आपके पास? कंपाइल टाइम। ये कंपाइल टाइम वगैरह क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। आपको इसमें स्टूडेंट कंपाइल टाइम को ना, यहाँ पे हम इसको हम कंपाइल टाइम को अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। हम इसका एक नाम और भी होता है, अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग ये कंसेप्ट जो है वो डायनामिक बाइंडिंग के अंदर आता है। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसका नाम आपके पास क्या होता है? लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको डायनामिक बाइंडिंग के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था कि जो किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में
कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस में कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, जब ये बात प्रोग्राम के कंपाइल टाइम में डिसाइड होती है तो इसे अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। मतलब कि जो एक ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो किस फंक्शन को कॉल करेगा, अगर ये चीज कंपाइलर टाइम में ही डिसाइड हो जाता है तो उसको अर्ली बाइंडिंग बोलेंगे कि वो जल्दी हो रही है आपके पास। अगर किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में किसी काम के लिए कौन सा प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा, जब ये चीज रन टाइम के ऊपर हम डिसाइड करते हैं, जब ये चीज हम रन टाइम के ऊपर डिसाइड करते हैं तो इसको हम लेट बाइंडिंग या हम इसको डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं, इसको आप डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। ये कंसेप्ट ना इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग, इनमें क्या डिफरेंस है, या हम इनको कंपाइल टाइम या रन टाइम भी हम इनको कह सकते हैं। तो अगर मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अगर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, जब ये बातें प्रोग्राम के कंपाइल टाइम पे डिसाइड होती हैं तो हम इसे अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, और जब किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में किसी काम को करने के लिए कौन सा प्रोसीजर हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये चीज रन टाइम के ऊपर डिसाइड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग बोलते हैं या डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही हम डायनामिक बाइंडिंग का जो है वो हम काम करते हैं। अब मान लो, इसको मैं यहां से क्लियर करता हूं, इसमें अब इसके अंदर यहां पे क्या काम हम करते हैं, इसमें मान लो मैंने यहां पे एक, इसके अंदर इंसर्ट में गए, यहां से शेप में गए, यहां पे आपने एक शेप ड्रॉ करी, ठीक है। अब इस शेप के आगे हमने इसके तीन पार्ट्स और हमने यहां पे बना लिए, एक पार्ट हमने यहां पे और बना लिया इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं इसमें, यहां पे मैं इसमें लिख देता हूं फंक्शन, यहां पे मैं इसमें ले लेता हूं सर्कल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट और ले लेता हूं इधर, और यहां पे भी मैं इसके अंदर काम करता हूं, इसके अंदर मैं यहां पे ले लेता हूं बॉक्स ऑब्जेक्ट, फिर मैं यहां पे क्या काम करता हूं, इसके अंदर भी मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं यहां पे, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर ले लिया, इसमें मैं ले लेता हूं ट्रायंगल ऑब्जेक्ट, ये ट्रायंगल ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। अब जो ये शेप फंक्शन है ना, ये शेप फंक्शन जो हमारी शेप क्लास है, इसके अंदर भी शेप हमारी क्लास होगी, इसके अंदर एक फंक्शन है, कौन सा, शेप फंक्शन, शेप फंक्शन, ये मैं यहाँ पे शेप फंक्शन लिख रहा हूं। इस जो है सर्कल ऑब्जेक्ट के अंदर, अब क्या होता है कि आप मान लो कि हमने एक शेप क्लास ली जो कि हमारी एक बेस क्लास है, अब इसे इनहेरिट करके हमने क्या काम किया, तीन नई क्लासेस हमने बनाई, जैसे एक सर्कल क्लास ले लिया आपने, एक यहां पे आपने, यहां पे आपने इसके अंदर जो है बॉक्स ले लिया और आपने ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि ये तीनों ही क्लासेस शेप क्लास से इनहेरिटेड है। अभी आप देख पा रहे हैं जो सर्कल है बॉक्स है ये शेप से इनहेरिटेड है, ठीक है। इसलिए जो बेस क्लास शेप है इसका एक मेथड होगा आपके पास, ड्रॉ मेथड, यहां पे इसका मेथड ले लेते हैं ड्रॉ मेथड। अब ये जो ड्रॉ मेथड है तीनों क्लास में इनहेरिटेड है, इधर भी है यहाँ पे ड्रॉ मेथड, इधर भी ड्रॉ मेथड है आपके पास, इधर भी ड्रॉ मेथड है, ठीक है।
अब मान लो कि हमने तीनों डिराइव क्लासेस का एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए हमने ड्रॉ मेथड, जो हमने ये वाला मेथड बनाया है, इसको हमने क्या काम किया, कॉल किया। ठीक है, तब कंपाइलर अगर सर्कल क्लास के ड्रॉ मेथड को कॉल करके सर्कल ड्रॉ करता है, या बॉक्स ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए वो बॉक्स क्लास के ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता है, या ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए वो ट्रायंगल क्लास के जो ड्रॉ फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करता है, तो एक ही नाम का जो ड्रॉ मेथड अगर क्रिएट हो रहा है, अब इसमें तो एक ही नाम का हम ड्रॉ मेथड क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की क्लास के आधार पर अगर उसी क्लास के ड्रॉ मेथड को एग्जीक्यूट करता है जिस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम बाइंडिंग ऑब्जेक्ट या मेथड की बाइंडिंग करना कहते हैं। अब अगर कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड कर लेता है कि कौन सा ड्रॉ फंक्शन कॉल होगा, ये वाला या ये वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ली बाइंडिंग। अगर ये कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट बाइंडिंग। तो वो कंसेप्ट आपके पास इसमें किस चीज का आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे लेट बाइंडिंग का कंसेप्ट आ जाएगा। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप अर्ली बाइंडिंग भी कह सकते हो, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जो है आप लेट बाइंडिंग भी आप कह सकते हो। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? गगन समझ में आया, कोई क्वेरी तो नहीं है आपकी यहां तक? विभांशु आपकी कोई क्वेरी तो नहीं है? एक ही काम को डिफरेंट तरीके से करना ही, उस कंसेप्ट को ही हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक ही काम को डिफरेंट तरीके से करना, ये कंसेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। और जो मैंने पॉलीमॉर्फिज्म के ये टाइप बताए हैं, कंपाइल टाइम जिसको आप अर्ली बाइंडिंग भी कह सकते हो, रन टाइम जिसको हम लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं, कंपाइल टाइम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम का मतलब क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन। तो देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की आपके पास यहाँ पे कंपाइल टाइम की डेफिनेशन को रीड करना, कंपाइल टाइम को हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, कि अगर कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ये डिसीजन ले लेता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। द ओवरलोड फंक्शंस आर इन्वोक्ड बाय मैचिंग द टाइप एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कि आपने फंक्शन यूज किया है, डिफरेंट टाइप के आपने फंक्शन यूज किए हैं, उसमें अलग अलग आपने आर्ग्यूमेंट यूज किए हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको कंपाइल टाइम के ऊपर ही अवेलेबल हो जाती है, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक एप्रोप्रिएट फंक्शन को सिलेक्ट करेगा, किस टाइम के ऊपर, कंपाइल टाइम के ऊपर। और इस कंसेप्ट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से, जिसको हम स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही ये डिसाइड कर लेता है, मीन्स इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी आप एग्जाम से पहले ही कर लेते हो, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, अर्ली बाइंडिंग, या ऐसे कह सकते हैं अर्ली प्रिपरेशन। लेकिन अगर आप एग्जाम के समय पे ही आप डिसाइड करते हो कि आपने क्या करना है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, रन टाइम। ठीक है, यानी कि लेट प्रिपरेशन हम बोलेंगे। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ आपके, आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? अब ऐसे ही एक कंसेप्ट जो आपके पास आता है वो आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि जब कंपाइलर रन टाइम पे कोई डिसीजन लेता है। अभी अभी हमने देखो यहाँ पे एक ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब ये प्रोग्राम का कंसेप्ट आपको देखिए क्या कहता है, कि हमने एक क्लास ली यहाँ पे, ए एक वेरिएबल लिया जो प्राइवेट है आपका। ठीक है, डिस्प्ले हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया यहाँ पे जो एज ए पब्लिक काम कर रहे, जिसमें हमने क्लास ए को डिफाइन कर दिया, यानी कि डिस्प्ले का हमारा मेंबर फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इस क्लास को हमने यहाँ पे क्या किया, बंद कर दिया। फिर हमने एक क्लास और ली बी, जो ए की प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। इसमें हमने ए लिया था, तो इसमें हमने बी ले लिया।
इसमें भी हमने जो डिस्प्ले मेंबर फंक्शन हमने ऊपर लिया है वही डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को मैंने यहाँ पे भी कॉल किया, बट इसमें क्लास ए शो किया था, इसमें क्लास हमने बी शो कर दिया। ये हमारी बेस क्लास डिक्लेरेशन हो गई और ये हमारे पास जो है डिराइव्ड क्लास डिक्लेरेशन हो जाएगी आपके पास। तो इन द अबव केस द प्रोटोटाइप ऑफ डिस्प्ले फंक्शन, कि जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है, ये दोनों क्लासेस में सेम है, बेस क्लास में भी और डिराइव्ड क्लास में भी। देयरफॉर स्टैटिक बाइंडिंग कैन नॉट बी अप्लाइड। अब इसमें स्टैटिक बाइंडिंग जो हमारी अर्ली बाइंडिंग है ना वो इसमें अप्लाई नहीं हो सकती। अब इसमें अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि कंपाइलर कंपाइल टाइम में इस प्रोग्राम के अंदर ये डिसीजन नहीं ले सकता कि कौन सा वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा, कि ये वाला कॉल होगा या ये वाला कॉल होगा। ये कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं कर सकता। ये जो कंपाइलर है इसको कब डिसाइड करेगा, रन टाइम के ऊपर डिसाइड करेगा। ठीक है, कंपाइलर इसको कंपाइल टाइम के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकता, ये रन टाइम के ऊपर डिसाइड होगा, क्योंकि हम एक ही फंक्शन को दोनों क्लासेस के अंदर हम असेस कर रहे हैं। तो कंपाइलर इसको कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं कर सकता, ये रन टाइम पे डिसाइड होगा। और जब ये रन टाइम पे डिसाइड होगा तो इट वुड बी ग्रेट, ठीक है, इफ द एप्रोप्रिएट फंक्शन इज सिलेक्टेड एट द रन टाइम, कि जो हमारा एप्रोप्रिएट फंक्शन है वो रन टाइम के ऊपर क्या होगा आपके पास सिलेक्ट होगा। और इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट मेथड इज इन्वोक्ड एट द रन टाइम, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मेथड को रन टाइम के ऊपर इन्वोक करते हैं बजाय कंपाइल टाइम के ऊपर, इट इज, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मेथड ओवरराइडिंग विच इज नोन एज डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है कि जो ऊपर हमने ये कंसेप्ट पढ़ा, ये कंसेप्ट आपका मेथड ओवरराइडिंग का है, कि जो ये वाला मेथड है आपके पास, जो हमने इसके अंदर डिस्प्ले मेथड लिया है, वो डिस्प्ले मेथड इस मेथड को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। तो ये कंसेप्ट हमारा कौन सा कहलाएगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ये कंसेप्ट हमारा कहलाएगा। गगन समझ में आया इतना, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट का मतलब समझ में आया। कंपाइल टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है, वेयर इज रन टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, तो कंपाइल टाइम और जो आपके पास रन टाइम है उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, देखो डिफरेंस से भी हमें एक बात क्लियर हो जाएगी, ये कंपाइल टाइम के ऊपर इन्वोक होगा आपके पास, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो रन टाइम के ऊपर इन्वोक होगा। कंपाइल टाइम को हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ओवरलोडिंग, इसको हम ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी कह सकते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं। जबकि जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम ओवरराइडिंग, डायनामिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग बोलेंगे। ओवरलोडिंग इज ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है, वेयर मोर देन वन मेथड इज हैविंग द सेम नेम। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही मेथड के डिफरेंट नेम होंगे और डिफरेंट उसके पैरामीटर्स होंगे। ओवरराइडिंग का आपके पास मतलब इसके अंदर क्या होता है कि इट इज ए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वेयर मोर देन वन मेथड एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड द टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट, जहां पे एक से ज्यादा आपके पास क्या होते हैं, मेथड होते हैं। इट इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोड, इसको हम जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इसको हम कैसे अचीव करेंगे, इट इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे अचीव करेंगे, वर्चुअल फंक्शन एंड पॉइंटर की हेल्प से। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। कंपाइल टाइम के अंदर आपके पास क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स फास्ट एग्जीक्यूशन एज इट इज नोन एज द कंपाइल टाइम, ये फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। जबकि रन टाइम में क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स स्लो एग्जीक्यूशन, इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो होती है। इट इज लेस फ्लेक्सीबल एज मेनली ऑल द थिंग्स एग्जीक्यूट एट द कंपाइल टाइम, ये लेस फ्लेक्सीबल कम होता है, ये ज्यादा फ्लेक्सीबल होता है, क्योंकि सारी की सारी जो चीजें हैं वो रन टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट होती हैं। इसमें जो चीजें एग्जीक्यूट होती हैं वो कंपाइल टाइम के ऊपर क्या होती हैं आपके पास, एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था आपके पास, मतलब डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम का और यहाँ पे क्या क्या। अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास एग्जांपल है,
ये एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है इसके अंदर, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है। तो इसमें देखो, हमने एक क्लास ली एनिमल, इसमें हमने एक ईट मेंबर फंक्शन लिया, फिर हमने क्या काम किया स्टूडेंट, हमने एक क्लास यहाँ पे और ले ली, यहाँ पे एक क्लास और ले ली आपने यहाँ पे डॉग क्लास। ये डॉग क्लास भी क्या कर रही है, ये एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को असेस करेगी। तो जैसे इसमें हमने ईट लिया, इसमें हमने ईट लिया, तो इसमें कंपाइलर ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कंपाइल टाइम के ऊपर कि कौन सा फंक्शन हमारा कॉल होगा, तो ये हम डिसाइड करेंगे रन टाइम के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो गगन यहां तक कंसेप्ट आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गगन आपको यहां तक? बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसमें। गगन यहां तक क्लियर है? मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना आप? तो आज की गगन, आज हम इस भी क्लास में भी इतना ही हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आज का ये लेक्चर काफी हमारा बड़ा हो गया है। कल हम फिर इस आगे जो इसमें हम कंसेप्ट है इसको हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और आगे इस कंसेप्ट को जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे हम आगे। ठीक है, तब तक आप थोड़ा सा जो है इतना आप रिवाइज करना, कल फिर मैं आगे आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा आपको। ठीक है, कल ठीक इसी टाइम के ऊपर 3:30 बजे के ऊपर मैं अपनी क्लास जो है आपकी मैं स्टार्ट करूंगा। ओके गगन, बाय। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू।